नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आपको एक न्यूज मिली थी जिसमें किन्नर रंजना यादव को सेक्स रैकेट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया। उनके ऊपर आरोप था कि एक लड़की को जो कि सिंगर है उसको जबरदस्ती नशीला पदार्थ सुघाकर अनैतिक कार्य में ढकेलने का प्रयास किया गया। लड़की ने शिकायत की, पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई। चूँकि घटना मार्च की थी लेकिन देर से ही सही कंप्लेन दर्ज हुई और किन्नर रंजना यादव का चेहरा सबके सामने ओपन हो गया कि इनकी काली करतूत ज्योति सबके सामने दिखाई देने लगी। पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको कोर्ट भेज दिया। अभी एक समाचार आया है कि किन्नर रंजना यादव को बेल मिल चुकी है, वे अपने निज निवास में आ चुकी हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने आप को पाक साफ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कर रही हैं भगवान जाने। और ये पहली बार नहीं है, इस तरह घटनाएँ पहले भी हुई हैं और बस इनका नाम आना बाकी था। एक बार एक कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने अपना डांस में पूरा पिछवाड़ा दिखा दिया था। आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस कैटेगरी के लोग हैं। अश्लीलता फैलाने में इनका नाम चरम सीमा में चलता है। नीचे आप देख सकते हैं किन्नर रंजना यादव ने अपने बारे में क्या कहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। हर हर महादेव। तो आप लोग कैसे, हम दोस्तों आप लोग को बता दें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रंजना यादव जेल गई, क्या उनकी गलती थी कि नहीं। जेल से आई हैं, अपने चैनल पे कोई भी ब्लॉग वीडियो बनाकर नहीं डाली हैं, सफाई नहीं दे रही हैं कि क्या कैसा है। दोस्तों इंसान का कोई ना कोई मजबूरी होता है और लोग उसी मजबूरी का काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो हम आप लोग को बता दें, जैसा कि लड़की इंसाफ मांग रही है, हम भी चाहते हैं भगवान करे लड़की को इंसाफ मिले। मामला कोर्ट के हाथ में है। कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, झूठे आरोप लगाया गया है और यूट्यूबर लोग ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों हाथ से ताली बजती है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। भाई पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है तो कुछ जांच पड़ताल की होगी तब जाके गिरफ्तार किया होगा, ऐसे तो करेगी नहीं। फिर पुलिस के ऊपर माननीय कोर्ट है, न्यायालय है, वो सभी पक्षों की विवेचना करता है तभी कोई फैसला सुनाता है। ये अपने को पाक साफ करने में जुटे हैं। भैया धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग लगी होती है। तो आप सभी लोग अलर्ट रहिए, किन्नर रंजना यादव की से प्रमोशन के चक्कर में आप लोग परेशान ना हो, वरना कहीं आपके साथ भी अहित न हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति बदनाम है उससे अगर आप लोग सपोर्ट की आशा रखेंगे तो आप ही बदनाम होंगे। और भाई कुछ लोग अफवाह तो फैलाते ही हैं।